हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टुगेदर यूट्यूब चैनल। हम लोग यूपी टीजीटी जीआईसी यूपी पीजीटी आर्ट के लिए पढ़ रहे हैं। यूपी टीजीटी में 148 वैकेंसी निकली है। आज हम लोग देखेंगे बादामी गुफा। वर्तमान में यह स्थान कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। चालुक्य वंशी राजाओं द्वारा इस गुफा का निर्माण कराया गया था। विद्वानों के अनुसार बादामी गुफा के चित्र मंगलेश या पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल में चित्रित हुए बताए जाते हैं। बादामी गुफाएं बादामी शहर के बंगलाकोट जिले में कर्नाटक प्रांत के उत्तरी दिशा में स्थित है। ऐतिहासिक ग्रंथ में बादामी को वातपी और वातपीपुरी और वातपी नगरी उल्लेखित किया गया है। आगे इसमें आता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी इसकी। वाकटक शासकों के पश्चात दक्षिण में शक्तिशाली चालुक्य वंश छठी से आठवीं शताब्दी में का उदय हुआ था। इसमें सिक्स से लेके एटवीं शताब्दी तक इसका उदय हुआ था। चालुक्य वंश में पुलकेशिन प्रथम 533 से 566 ईस्वी पूर्व, उसके पुत्र कीर्तिवामन 566 से 597 और कीर्तिवामन वर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय प्रतापी राजा हुए। कीर्तिवामन के मर्जोपरांत उसका छोटा भाई मंगलेश चालुक्य साम्राज्य का शासन बना और उसने वातपीपुरम को अपनी राजधानी बनाया। कलाओं का महान संरक्षक होने की वजह से उसके राज्य काल में महाबलीपुरम, कांचीपुरम तथा बादामी की चौथी गुफा बनकर तैयार हुई। यह गुफा चित्रकारी वास्तु एवं शिलराज्य मुख्य मंडप की दृष्टि से श्रेष्ठ मानी जाती है। इस गुफा में मंगलेश के शासनकाल के 12वें वर्ष का लेख प्राप्त हुआ है, जिसका समय 597 ईस्वी है। इसके आधार पर इस गुफा का समय 597 ईस्वी निश्चित किया जाता है। इसे अभिलेख में बादामी की गुफा के निर्माण के संबंध में पर्याप्त सूचना है।
जिसके अनुसार चौथी गुफा के मुख्य मंडप में विष्णु की प्रतिमा भी स्थापित की गई है और मंदिर में पूजा पाठ के लिए अनुदान स्वरूप लंजिसवाड़ा नामक ग्राम की जागीर इस मंदिर के प्रबंध के लिए बांधी गई। ये मंदिर है बादामी गुफा का। ये पेंटिंग रॉक कट पेंटिंग है जो वहां पर बनाई गई है। एक ये पेंटिंग है जिसमें एक डांस करते हुए दिखाया गया, ये बैठे हुए हैं विष्णु टाइप में। आगे देखते हैं इसमें। बादामी के अलंकरण संबंधी अभिलेख से स्पष्ट है कि मंगलेश को सभा के चित्रकार वाकटको के समय से चली आ रही परंपराओं का पालन कर रहे थे। बादामी चित्रों की खोज का श्रेय डॉक्टर स्टेला कैमरिश को है। चालुक्य के द्वारा बादामी के चार गुफा मंदिर हैं, जिनमें से एक जैन धर्म से और तीन ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। चालुक्य बादामी गुफा में चार मंदिर हैं, जो एक है वो जैन धर्म से है, बाकी के तीन ब्राह्मण धर्म से है। संबंधित चित्रणों में अब तक के ज्ञात उदाहरणों में से सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र हैं। इसकी शैली अजंता शैली जैसी है। पहला दृश्य क्या था? प्रथम विशाल पैनल में मछली का दृश्य अंकित है, जिसके केंद्र में प्रदर्शित सिंहासन रूढ़ राजा रानी संगीत का आनंद ले रहे हैं। कुछ दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। केंद्रीय आकृति कोमल नीलिमा युक्त हरे रंग से की है, जिसका छाड़ और हाथ ही अवशिष्ट रह गए हैं। मुख की चित्रकारी समाप्त हो गई है, केवल मुकुट शेष है। शरीर पर चालुक्य पद्धति की अनेक मालाएं और यज्ञोपवीत है। नीचे अन्य व्यक्ति बैठे हैं तथा दासियों का समूह भी अंकित है। बाईं ओर इंद्र सभा का चित्रण है, जिसमें इंद्र स्तंभ युक्त मंडप में सिंहासन पर बैठे हुए हैं। दूसरा दृश्य आता है। इसमें सिंहासन पर एक राजा किंचित विषम की स्थिति में लीलासन की मुद्रा में है। उसका एक पैर पदपीठ व दूसरा सिंहासन पर रखा है।
निकट में अनेक राजकुमार बैठे हैं। एक दासी दंड लिए खड़ी है, दूसरी और रानी सिंहासन पर अलसाई मुद्रा में बैठी है, जिसका सिंहासन राजा के सिंहासन से कुछ नीचा है। चारों ओर श्रृंगार प्रसादिकाएं बिखरी पड़ी हैं। एक दासी रानी के पैरों पर अलकातक लगा रही है। रानी गौड़ वर्ण की है तथा उसके केस सुंदर ढंग से सवारे गए हैं। शिलालेख में मंगलेश ने इस गुफा का समस्त वैभव अपने अग्रज को ही समर्पित किया है। गुफा के निकट ही वराह की प्रतिमा है। बादामी गुफा के अन्य पैनलों में जो खंडित चित्र बचे हैं, उससे आकाशधारी विद्याधर विशेष उल्लेखनीय है। एक स्थान पर खंभे के सहारे खड़ी एक विरहिणी रमणी की आकृति भी अंकित है, जो किसी की स्मृति में लीन है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी आंखों में वेदना का गहरा ज्वार भरा हुआ है। यह चित्र भावोत्पन्न के लिए विशेष प्रसिद्ध है। शिव पार्वती के अनेक प्रसंग भी यह चित्रित हैं। ललित कला एकेडमी के निमंत्रण पर भारत के प्रसिद्ध चित्रकार स्वर्गीय JL अहिवासी तथा उनके सहायकों ने बादामी के भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियां तैयार की, जिसमें पहला दृश्य आता है शिव विवाह पर आधारित है। दूसरा दृश्य एक राजमहल के दूसरा दृश्य जो है एक राजमहल के कक्ष का दर्शाया है। इस दृश्य में राजसी युगल का अंकन है। तीसरा दृश्य विद्याधर तथा विद्याधरी विद्याधर कटा हुआ है। विद्याधर तथा विद्याधरी अपने अपने हाथ एक दूसरे के गले में डाले हैं और उनके सिर पर मुकुट है। चौथा दृश्य चौथा दृश्य इसमें अधिक सुंदर युगल आकृतियां हैं। विद्याधर कड़ कुंडल पहने हैं, जबकि विद्याधरी के कान में कुंडल नहीं है। विद्याधरी वीणा बजा रही हैं। फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूपी टीजीटी यूके टीचर के लिए।
जीआईसी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए आर्ट्स की प्रिपरेशन चल रही है। इसमें इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। अभी यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम निकला हुआ है, इसलिए 148 वैकेंसी, जिसमें कि इसका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बाकी टॉपिक्स भी लिए जाएंगे। जो डिफरेंस होगा वो आगे देखते हैं। इसमें बादामी गुफा की खोज का श्रेय स्टेला कैम्ब्रिज को है। उन्होंने चित्र के विषयों को शिव विवाह से संबंधित दृश्य बताया है। यह चित्र खराब अवस्था में है। बादामी गुफा में भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां के हैबर व खंडलवाल की देखरेख में जे एल अभिवासी तथा उनके कलाकार समूह ने किया। यानी भित्ति चित्रण का प्रतिलिपियां, प्रतिलिपि का मतलब होता है फोटो कॉपी टाइप से, यानी उसको बनाया गया। किसने बनाया? के हैबर ने, खंडलवाल ने, किसकी देखरेख में? जे एल अहिवासी। आगे ये एक रॉक कट पेंटिंग है जिसमें एक आदमी है, ये औरत है, ये भी औरत है, बाकी ये पिक्चर बनी हुई है। ये गुफा है, एंट्रेंस है उसका। ये बुद्ध की मूर्ति मिली है, एक ये बना हुआ है। आज इसमें यहाँ तक कंप्लीट हो गया ही होना, बादामी गुफा का। इसके आप नोट्स प्रिपेयर कर लें और 5 से 6 बार इसे रिवाइज करें, याद करें। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। थैंक्स।